यही मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। स्क्रीन पे दिख रहा है यूथ पब्लिकेशन का जो हिस्ट्री का श्रृंखला चल रहा है, उसी को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें प्राचीन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। कई चैप्टर जो है टॉपिक वाइज पहले ही कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आज का टॉपिक आपका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। गुप्त काल का इतिहास के बारे में जानकारी मिलने वाली है और उससे रिलेटेड जितने भी पूछे गए एसएससी में, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, अभी आप देखेंगे गुप्त काल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको बता, तैयारी आपका प्रीवियस ईयर के अनुसार ही होना चाहिए। अब यहाँ पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। पहला है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका उत्तर आपको बता दें ऐसा कि कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। देखिए 450 से 470 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। प्राचीन भारत में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां हिंदू और बौद्ध अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते थे। यह यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। नालंदा कहाँ पर, तो बताओ, बिहार के नालंदा जिले में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को जो है किस रूप में जाना जाता है। पहला है लखनऊ स्तंभ के इलाहाबाद या अहमदाबाद या बिठूर स्तंभ। तो आपको बता दें, प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयागराज आप वैसे भी जानते हैं इलाहाबाद का नाम, तो प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को जाना जाता है। देखिए कहा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त के स्तंभ में जो इलाहाबाद में है, तथा यह संस्कृत में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया पूछा जाता है, तो आप बताओ कि संस्कृत भाषा में। इसकी रचना हरिशेण ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, बताओ, हरिशेण ने किया था। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है किस रूप से, तो बताओ, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अभिलेख से। अब बात करते हैं गुप्त काल के आरंभ में, गुप्त काल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त पद या कुमारगुप्त। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने को जो है गुप्त काल प्रारंभ करने का। वैसे गुप्त काल का जनक किसी, यानी गुप्त काल की स्थापना सर्वप्रथम किसे, श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन आगे अच्छे से किसने बढ़ा, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने बढ़ाया था। देखिए इसमें कहा गया है, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी पूर्व गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। वह गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि की। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। और इस विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त कुमार देवी पर सोने के सिक्के चलाए गए, जो चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी का चित्र तथा दूसरी और दुर्गा का चित्र अंकित था। देखिये माता दुर्गा का भी चित्र, और एक तरफ जो है कुमारगुप्त तथा चंद्रगुप्त का जो है। अब आपको बताइए 319 ईस्वी में क्या है, गुप्त संवत की स्थापना की गई। गुप्त संवत के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं, वाकाटक वंश का सीधा वंश किस सम्राट से, वाकाटक वंश का, तो उत्तर बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से था। अब चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं प्यारे साथियों। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में बिंद शक्ति ने की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है राजा प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासन काल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। ध्यातव्य है कि वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की पौत्री तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था। तो इस तरह याद कर सकते, समुद्रगुप्त से, देखिये समुद्रगुप्त की पौत्री जो थी उससे विवाह हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट है, रुद्रसेन द्वितीय की का विवाह जो है किससे हुआ था, समुद्रगुप्त की पौत्री से हुआ था। अब आप वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त गुप्त कुबेरनाथ और किसकी बेटी थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। कौन, कुबेर नागा, भी आपने देखा है बिंद शक्ति ने की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जो है कौन सा, प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहा था। भाई कि वाकाटक राजा जो है रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किससे हुआ, तो समुद्रगुप्त द्वितीय की पौत्री से हुआ, जिसका नाम प्रभावती था। अब प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, तो आप बताओ, ताम्रलिप्ति जो था
प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। अब ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में स्थित ताम्लुक नामक स्थान पर ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्त नामक से प्रसिद्ध हुआ था। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण पूर्वी देशों में सिंघल के लिए व्यापारी जहाज यहाँ से आते थे। यहाँ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। फाहयान, हुएनसांग और इत्सिंग आदि यहाँ पर रहकर जो है अध्ययन करते थे। अब बात है नेक्स्ट, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भुक्ति, एक जासूस, एक प्रांत, एक गांव। तो आपको बता दें, एक प्रांत के लिए क्या प्रयोग किया जाता है गुप्त काल में? भुक्ति प्रांत को कहा जाता था। जैसे आज राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, वैसे उसमें भुक्ति कहा जाता था। गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्यों का विभाजन भुक्तियों में हुआ था, जिसे प्रांत या प्रोविंस कहा जाता था। भुक्ति के ऊपरिक महाजन नामक का अधिकारी नियुक्त किया जाता था। भुक्ति और प्रांतों का विभाजन अनेक जिलों में किया गया था, जिसे आज देखिए उत्तर प्रदेश का 75 जिलों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं इसके विषय कहा जाता था। जिलों को विषय कहा जाता था, जिसके सर्वोच्च अधिकारी को विषयपति या कुमारामात्य कहा जाता था। तथा कार्यालयों के अभिठान, कार्यालय जो होते थे उनको कार्यालय न कहकर अभिठान कहा जाता था। बात करते देखिए, विषयपति की सलाह एवं सहायता देने के लिए परिषद भी होती थी, जिसके प्रमुख को क्या नगरपति कहा जाता। ज्ञातव्य है कि गुप्त काल में सीमांत प्रदेशों को प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। जो सीमांत यानी पड़ोसी देश के होते उनको क्या कहते थे? गोप्ता कहा जाता था। इस प्रकार से उल्लेखनीय कि गुप्त काल में विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का समायोजन था। अब चलते हैं गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित। विधि का मतलब क्या होता है? विधि शब्द का मतलब क्या था? विधि शब्द का मतलब से है तो प्रशासनिक इकाई से था। अब इसके बारे में जान लें। देखिए, गुप्त कुषाणों के सामंत थे, जो मौर्यों के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे। गुप्तकालीन प्रशासनिक पद्धति विकेंद्रीकरण व्यवस्था आधारित थी। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का अर्थ होता प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। गुप्त साम्राज्य में राजा को उनके प्रशासन तथा एक समुदाय और समूह द्वारा निर्देशित किया जाता था, जिसमें एक मुख्यमंत्री तथा एक सेनापति होते थे। आज भी लगभग ऐसे ही होते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो आपको था चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। देखिए 319 BC में भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक था, जिसने गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक शासक माना जाता था। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था, जिसके एक गुप्त संवत 319 ईस्वी में चला है, और उसने महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की तथा लिच्छवी राज की राजकुमारी कुमार देवी के साथ क्या किया था? विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 550 के बीच किस राजवंश में भारत पर शासन किया? तो गुप्त राजवंश ने जो है भारत पे शासन किया था। अब डिस्क्रिप्शन इसको बार बार हमने कई बार पढ़ चुके हैं, इसको आप रोक के दोबारा पढ़ना चाहे तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी क्या था? समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त, देखिए समुद्रगुप्त जो है उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा थे तथा उनके साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा एवं इतिहासकार जो है बीसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। इस बात किसने कहा था? बीसेंट स्मिथ ने कहा था। देखिए आपको दिखा होगा, बीसेंट स्मिथ ने जो है भारत का नेपोलियन किसे? तो समुद्रगुप्त को कहा था। अब बात करते हैं गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन सा जिसने महाराजा अधिराज की पदवी धारण की? महाराजा अधिराज की पदवी किसने धारण की? तो आपको बताएंगे चंद्रगुप्त ने ही जो है महाराजा अधिराज या महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किया था। देखिए गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की वह चंद्रगुप्त का प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था कौन से? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्कों पर प्रचलन स्वर्ण सिक्के चलवाया, पृष्ठभाग पर दुर्गा की आकृति छपवाई थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और राजा रानी प्रकार यानी विवाह प्रकार लिच्छवी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलवाए। राजा रानी और विवाह प्रकार तथा लिच्छवी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन है।
गुप्त शासकों ने किस नाम से जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने जाना था? तो हलिवकर जो है कर लगाया था, हल रख रहा है तो उसको कर देना पड़े। देखिए, गुप्त शासकों ने हलिककर या हल दंड नामक जो है जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाता था, वो इसे हल कर भी कहा जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्त काल में जो है भूमि कर कही थी। देखिये, क्षेत्र यानी कृषि योग्य भूमि पर क्षेत्र कर, वास्तु यानी वास करने योग्य भूमि पर भी टैक्स लगता था। अब वहीं पर सारा पशुओं के चारा वाले चारा योग्य भूमि पर भी टैक्स लगता था। देखिए कितने तरह के खिल, एक ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे खिल कहा जाता था। काल में भूमि कितने प्रकार की? अपराध यानी ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, जंगली भूमि को अपराध यानी कि छोड़ा हुआ भूमि को कहा जाता नहीं कोई कोई, और ऐसी भूमि जिसपे खेती ही निकाल की जैसे कि उसे खिल कहा जाता। अपहरण मतलब क्या है, जंगली भूमि को अपराध कहा जाता था। चिनेत्री सुंग यून का भारत आया था तो बताओ 518 ईस्वी में। अब देखिए इसमें कहा गया है कि भारत आया, उसने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म के ग्रंथों की प्रतिलिपियां प्राप्त की। यात्रा की फायान होयनसांग तथा इत्सिंग भी चीनी यात्री भारत में आए थे। और वहीं पर बात करते हैं, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से दरबार में आया था। कौन? फायान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। होयनसांग जो हर्षवर्धन के शासन काल में आया, अब वो कब? 629 में। अब वहीं भारत आने वाले जितने चीनी यात्री उनको देख लेते हैं। फायान जो है भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फायान हुआ था। उसके बाद ये 15 वर्षों तक रहा, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। और फायान क्या था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। सुंग यून क्या 518 ईस्वी में आया। इसने बंगाल के बिहार तथा तत्कालीन राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया। फिर उसके बाद इत्सिंग आया, इत्सिंग जो है 671 से 693 ईस्वी में। यह चीनी बौद्ध यात्री था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा और त्रिपिटकों की 400 प्रतियां जो अपने साथ लेके आया। कौन ये? अब मालवेन लीन आया 7वीं शताब्दी में। यह हर्षवर्धन के पूर्वी भारत आक्रमण के अभियान का वर्णन करता है। चाउ इन कुआ ये जो है 1125 से 1254 ईस्वी में भारत पर रहा। अपनी रचना चू फान ची में जो है 13वीं शताब्दी में चीनी अरबी व्यापार का प्रकाश डाला। अब बात करते हैं शुरुआत भारत के कौन यात्री आने वाले चीनी यात्री थे, तो आपको बता दें सुई इंग यानी 6वीं शताब्दी के शुरुआत में कौन सा चीनी यात्री आया। देखो 6वीं शताब्दी में आया था सुंग इंग, के 5वें के बाद 6वां शुरू हुआ था तब आया था, और ये सब तो पहले आ चुके फायान वगैरह, तो आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसके बाद आप गुप्तोत्तर काल देखेंगे। गुप्तोत्तर काल से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देख लेते हैं कैसा थी। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग यानी इलाहाबाद में हर सभा में शामिल हुए थे? तो होयनसांग जो है हर सभा में शामिल हुए थे। देखिए इसमें कब शामिल हुए? 628 ईस्वी में भारत में ध्रुवसेन द्वितीय के प्रयाग के हर सभा में जो है ये शामिल हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा चीनी यात्री जो है होयनसांग लगभग 50 वर्षों तक भारत आया था, 50 वर्ष लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया? तो इसमें कोई भी उत्तर जो है सही नहीं है। देखो इसमें कहा फायान के बारे में कहा जाए तो फायान जो है 5वीं शताब्दी में आया था। अब वहीं पर बात करते हैं होयनसांग जो है 7वीं में लगभग 200 वर्ष बाद आया, और वहीं इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में आया लगभग 100 साल बाद आया। तो इनमें कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। अब बात करें हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत में यात्रा किया था? तो होयनसांग ने जो है हर्षवर्धन, हाथ से होयनसांग, हाथ से हर्षवर्धन याद कर सकते हैं, लगभग 15 से 16 वर्षों के भारत में रहा। किस शासक ने शासन काल में जो है चीनी यात्री होयनसांग आया? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। भारतीय सम्राट में हर्ष के जीवन चरित्र हर्षरति जो है की रचना किसने किया? तो वाणभट्ट ने किया था हर्षचरित्र की रचना, बने रहे। राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन के युद्ध की घोषणा की थी वो कहाँ का शासक? तो गौड़ साम्राज्य का शासक था। शशांक जो है बंगाल का हिंदू राजा था जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया तथा गौड़ राजवंश की स्थापना रखी। मालवा के राजा देवगुप्त दुर्विसंधि करके हर्षवर्धन की बहन राजश्री और पति कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्धन को मार डाला, और खबर सुनकर हर्षवर्धन ने जो शशांक के युद्ध की घोषणा कर दिया था। वाणभट्ट ने जो है राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। चलते हैं, हर्षवर्धन कहाँ? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी
जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में लिखी गई, तो किसने, वाणव भट्ट ने जो लिखा था, किस भाषा में, संस्कृत में लिखा था, आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं इसको। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जिसने बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था, कौन आया था, तो ह्वेनसांग जो है बौद्ध ग्रंथों के लिए ही भारत में आया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन का विजय प्राप्त हुआ था, किस सन में, तो आप बताएंगे 618 ईस्वी में। अब आगे बात करते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसको आप डिस्क्रिप्शन रोक के पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया, तो राजवर्धन ने स्थापित किया था। अब किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, तो ह्वेनसांग किसके दरबार में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा दक्षिण भारत के राजवंश जितने हैं उनको देखेंगे। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।